हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल A74 है, तो आईटेल A74 की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस है, तो हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कैसे बिना पासवर्ड के आप कनेक्ट कर सकते हैं आईटेल A74 में, और QR कोड स्कैन करके वायरलेस इंटरनेट को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप इसका यूज़ कर पाएंगे आईटेल फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहा है, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ऊपर हो जाएंगे, फिर सिंपली आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे जाकर आप QR कोड स्कैन करके भी वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग सेटिंग्स से आपके फ़ोन में आ जाती है, जहाँ से आपके पास हॉटस्पॉट ऑप्शन है, जिसको ऑफ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ऑन करते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और शेयर हॉटस्पॉट ऑप्शंस भी आपके फ़ोन में शो हो जाएगा, यानी जैसे QR कोड है आपका हॉटस्पॉट का, तो ही हॉटस्पॉट QR कोड को आप शेयर कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई का यूज़ करते हैं तो वाईफाई का यूज़ भी कर सकते हैं, वाईफाई को ऑन करके आप यहाँ से स्कैनर सेटिंग्स का आप यूज़ कर पाएंगे और स्कैन करके भी वाईफाई को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इसको स्कैन करते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो वायरलेस इंटरनेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट भी आप चला सकते हैं, या फिर इस तरीके से QR कोड को ओपन कर सकते हैं किसी वजह से नेटवर्क का, और किसी वजह से फ़ोन में आप नेटवर्क को कनेक्ट करके वायरलेस इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को चला सकते हैं। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।